ओम नारायणाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी कब है। प्रिय साथियों, पवित्रा एकादशी का समय क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और पवित्रा एकादशी को मनाने के पीछे का रहस्य क्या है, और साथ ही साथ आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पवित्रा एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है, वैसे तो हर महीने में दो एकादशियां अवश्य आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग फल होता है। आज के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत किस प्रकार करना चाहिए, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नारायणाय नमः। प्रिय साथियों, साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी जुलाई के महीने में आ रही है, उसका समय क्या है, उसकी तिथि क्या है, यह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पवित्रा एकादशी का कौन सा महीना होता है और कौन सा पक्ष होता है। प्रिय साथियों, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को ही पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी को कहा जाता है पवित्रा एकादशी। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। अब आप सोचिए कि यह एकादशी कितने पुण्य को देने वाली होगी, जिसको स्वयं भगवान वासुदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताया था। प्रिय साथियों, अब इस एकादशी को मनाने के पीछे का क्या महत्व है कि इस एकादशी को क्यों मनाते हैं और इस एकादशी को मनाने से, इस एकादशी का व्रत रखने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, पवित्रा एकादशी जो है, जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उन्हें ऐसे दंपत्ति जिन्हें कोई भी संतान नहीं है, सबसे बड़ा फल तो यह है कि निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जो भी पवित्रा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप दूर होते हैं, उसके सभी पाप कट जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। प्रिय साथियों, पवित्रा एकादशी की महिमा हमारे धर्म पुराणों में भली भांति से वर्णित की गई है और साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी इसी जुलाई के महीने में आने वाली है। प्रिय साथियों, ऐसा माना जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसका व्रत जो भी करता है उसे वायपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आने वाली पवित्रा एकादशी के दिन आपने व्रत जरूर करना है। इस व्रत के क्या नियम है और इस व्रत का क्या पुण्य है, यह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। प्रिय साथियों, एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु नारायण की पूजा इस व्रत में की जाती है। सबसे पहले उनको धूप दीप गंध पुष्प अक्षत आदि से उनका पूजन करना है। उसके बाद लौंग आंवला बेर इत्यादि आपने भगवान विष्णु को चढ़ाने हैं और विधिवत रूप से उनकी पूजा करनी है। सारा दिन भगवान विष्णु नारायण का ध्यान करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस एकादशी के दिन जो भी भक्त करता है, उसकी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए आपने इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर
करना है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रिय साथियों, यह तो था कि एकादशी तिथि का क्या महत्व है और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी किस दिन है, कितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, कितने बजे एकादशी तिथि समाप्त होगी। प्रिय साथियों, अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी 30 जुलाई गुरुवार के दिन होगी। 30 जुलाई गुरुवार के दिन पवित्रा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 1:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11:50 पर। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपके साथ डिटेल शो कर रहा हूँ, इस डिटेल को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय, एकादशी तिथि समाप्त होने का समय यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। प्रिय साथियों, तो इस प्रकार यह मैंने आपको बताया कि साल 2020 में आने वाली पवित्रा एकादशी का समय और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। प्रिय साथियों, पवित्रा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य सच्ची भावना से और सच्ची श्रद्धा से करता है उसको भगवान विष्णु देवता मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए आपने पूरे भक्ति भाव से हरि नारायण की पूजा करनी है। हरि नारायण के मंत्रों द्वारा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनम्। इस मंत्र से भगवान विष्णु की आराधना करनी है और उनका व्रत रखते हुए सारा दिन भगवान हरि नारायण का ध्यान करना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से अगर आप आने वाला पवित्रा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी मनोइच्छित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान विष्णु देवता जो है सुख को देने वाले हैं, इसलिए जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसके परिवार में कभी भी दारिद्र और कलेश नहीं होता, उनके परिवार में सदा दूध पूत अन्नदन की बरकत रहती है। इसलिए आने वाला पवित्रा एकादशी का व्रत आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए। भगवान विष्णु देवता की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बरसती रहे। प्रिय साथियों, अगर एकादशी तिथि संबंधित अन्य आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, व्रत किस प्रकार से करें, अन्य किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रिय साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में ओम विष्णु देवाय नमः लिखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में आपसे जुड़ेंगे किसी नई जानकारी को लेकर, ऐसी जानकारी जो आपको भी अत्यंत पसंद आती है। वीडियो को आप सभी वक्त लाइक जरूर किया करें जिससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आई है और हम इसी प्रकार से अच्छी अच्छी विषय वस्तु आपके लिए लेकर आते रहें, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। प्रिय भक्तों, माता रानी का आशीर्वाद भी आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे, इसी विनती के साथ आज के इस अंक में आप सभी भक्तों से आज्ञा लेते हैं, अगले अंक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम विष्णु नारायणाय नमः, जय मां शेरावाली, जय मां भद्रकाली, ओम हरि नारायणाय।